लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। चौबेपुर थाना क्षेत्र के चौबेपुर कस्बा के निवासी आशीष कुमार चौबे पत्रकार व ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन वाराणसी के जिलाध्यक्ष ने अपने आवास चौबेपुर से अपने ससुराल थाना जनसा के अंतर्गत हाथी गांव के लिए 28 जनवरी 2020 को अपनी पत्नी व बच्चे के साथ ससुराल के लिए सुबह निकले। घर से निकले की कुछ ही समय बाद एक सफेद रंग की बोलेरो कार से आधा दर्जन लोग घर पर जाकर पीड़ित के पिता से आशीष चौबे कहा गए हैं इस बारे में पूछते हैं। एडवोकेट चौबेपुर जिला वाराणसी के रहने वाले हैं और बनारस में प्रैक्टिस करते हैं। आशीष कुमार चौबे मेरे छोटे भाई हैं। इनके साथ जो घटना घटी है 69/2020 चौबेपुर थाने में पंजीकृत हुआ, जिसकी विवेचना सब इंस्पेक्टर ये शंकर यादव कर रहे थे। ये बेचारे 3 दिन के बाद आए हुआ और 3 दिन में ही अपनी जांच सबमिट कर दिए। जो गाड़ी का नंबर मेरे भाई ने दिया था वह गाड़ी की भी जांच नहीं की कि वह गाड़ी किसकी है। किसी टूटे पर आया उसकी भी जांच नहीं की, मौका मुआयना नहीं किए, नक्शा नगरी नहीं बनाए, मौके पर गए ही नहीं और घर बैठे ही अपनी जाँच सबमिट कर दिए हैं। उसका हम प्रोटेस्ट फाइल किए हैं। इसमें आज तारीख थी 19/3 तारीख पड़ी हुई है, 19/3/21 तारीख पड़ी हुई है, इस पेंडिंग में है। तो क्या उन्होंने ये जो जांच किया था, जांच में उन्होंने रिपोर्ट क्या लगाया? जांच में कि वही कि हमारी जो एफ आई आर अंतर्गत धारा 147, 504, 506 में जो पंजीकृत है वो झूठी है। तो उसी के उन्हीं के रिपोर्ट के खिलाफ हम विरोध फाइल किए हैं और वही लिखे हैं कि साक्षी के अभाव में जो है। मैं आशीष कुमार चौबे, मैं चौबेपुर थाना क्षेत्र से पत्रकारिता करता हूँ, क्राइम रिपोर्टर हूँ और मेरे साथ घटना हुआ 28/1/2020 ईस्वी को कि मेरे घर पे कुछ अनजान लोग, जिसे मुझे जानकारी नहीं होती कि नहीं कौन लोग, एक ब्लोरो सफ़ेद रंग की कार से मेरे घर पे आते हैं। सुबह में तकरीबन 10-10:30 बजे के समथिंग है आते हैं 5 से 6 लोग आधा दर्जन के लगभग। मेरे पिता से पूछते हैं कि आशीष चौबे जी कहाँ हैं, तो मेरे पिताजी ने बताया कि वो अभी ससुराल गए हैं। और मैं उन अज्ञात जो अनजान लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता था, उनके आने से 10 से 15-20 मिनट पहले अपनी कार से, मित्र की कार से ड्राइवर को लेके और बच्चे को और पत्नी को लेके ससुराल थाना जनसा के में आने वाले हाथी बाजार गाँव पड़ता है वहाँ के लिए मैं निकला था। उसके बाद मेरे पिताजी से पूछने के बाद वो सब पीछा किए कि क्या किए, मुझे रास्ते में तो कोई नहीं मिले। फिर उसके बाद जब से ही मैं हाथी बाजार से समीप चौखंडी मोड़ पड़ता है वहाँ मैं पहुँचता हूँ। उसके चौखंडी मोड़ से महज 10 मीटर पहले एक ब्लैक कलर की सफारी कार UP 65 AP 39 48 जिसका नंबर था वो ओवरटेक करके आती है, मेरे सामने खड़ी होती है जब कार की। उसमें से 4 से 5 लोग निकलते हैं जिसमें एक दो के पास पिस्टल था और निकलते हैं। उसके बाद वो लोग पूछने के बाद हमसे, उसमें से एक आदमी निकल के पिस्टल मेरे ड्राइवर के बगल में जहाँ मैं बैठा था उस सीट के वाले साइड पे आता है और कहता है कि आशीष चौबे जी कहाँ, कहता है कि आशीष चौबे तुम्हें निकल इसमें से। तो फिर हमने मौके को समझ लिया कि कुछ स्थिति भयानक होने वाली है। तो हम उस पर ड्राइवर ने मेरा बोला कि साहब आप मत निकलिए, वो बार बार यही कहते थे कि निकल, मतलब भद्दी भद्दी गालियाँ देते थे कि निकल, लेके जान से मारे। इतने में पूरी वहाँ के लोकल जो पब्लिक लोग थे वो सब मौके को जान चुके हैं। मौके को जानने के बाद जैसे ही पब्लिक ने दौड़ाने का प्रयास किया, हाँ उतने में ब्लोरो वाली जो कार पीछे मेरे घर पे गई थी वो कार मेरे गाड़ी के ठीक पीछे भी आई। तो ब्लैक कलर की सफारी कार आ गई और वाइट कलर की ब्लोरो जो मेरे घर पे गई थी पूछने के लिए वो मेरे गाड़ी के पीछे आ गई। उसमें से 3-4 लोग निकले। तो सफारी वाले जब देखे कि पब्लिक वहाँ की दौड़ा रही है तो वो सब मौके को देखते हुए वहाँ से कुछ पिस्टल अपना असलाह लहराते हुए भागने लगे। वहाँ के लोकल लोग ने वो गाड़ी का फोटो भी खींचा है और जो बदमाश के पास पिस्टल था उसका भी मेरे पास है। मेरे पास सारे साक्षी, घर पे लगे हुए CCTV फुटेज और अखबार में निकले हुए समाचार। फिर इसके बाद हमने वही घटना का क्रम की जानकारी घटनास्थल से ही तुरंत SPRA को दिया, SP ग्रामीण साथ से। तो उन्होंने तुरंत वहाँ से हमें आदेश की जैसे चौबे को मुकदमा पंजीकृत हुआ 69/2020 क्राइम संख्या है और 147/504/506 पर मुकदमा पंजीकृत है, जिसकी जांच रामसरी गौतम निरीक्षक बने वो भी किए
उनका भी तबादला हुआ। उसके बाद प्रकाश सिंह चौहान सब इंस्पेक्टर वो भी बने, विवेचक उनका भी तबादला हुआ। फिर तीसरा जो विवेचक आए वो आए विजय शंकर यादव। विजय शंकर यादव जी एक दिन आते हैं, दूसरे जनपद से ट्रांसफ़र होकर, दूसरे थाने से ट्रांसफ़र होकर आते हैं थाना चौबेपुर में। वो मेरे 59/20 का विवेचक बनते हैं, उसका विवेचना एक दिन आते हैं ट्रांसफ़र होकर, दूसरे दिन वो फाइल को खोलते हैं और उसी दिन एफ आई आर लगा के तीसरे दिन अदर जनपद में उनका तबादला होता है। इस उनके और एफ आई आर में एफ आई आर लगाए हैं, उस एफ आई आर के अगेंस्ट हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति के यहाँ मैं उनके एफ आई आर का विरोध फाइल किया हूँ, प्रोटेस्ट फाइल किया हूँ। मैं उसके अपनी सुरक्षा के लेकर अन्य आला अफसरों से मिला, बातचीत भी हुई, मगर सुरक्षा किस बिंदु पर लेंगे, किस दृष्टि से लेंगे, ये बहुत ही विषय है, बहुत बड़ा विषय है। मुझे जब आपने मुलाकात की तो उन्होंने क्या सुझाव दिया आपको, क्या उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी सुरक्षा होगी। आपके साथ जो घटना हुआ है इस बात का मुझे बहुत दुख है और मैं उसकी जाँच शुरू किया हूँ, करवा रहा हूँ, अतिशीघ्र खुलासा कर रहा हूँ। और मैं ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन में वर्तमान में बनारस जनपद का जिलाध्यक्ष हूँ।